ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। NCP के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान, जो अपने पार्टी के लिए दिलो जान लगा देते हैं, मगर शमीम खान का असली चेहरा यानी उनकी छवि को लेकर एक न्यूज़पेपर ने खबर छापी थी और इसी तरह एक न्यूज़ वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जो शमीम खान के छवि पर सवाल खड़े कर रही थी। आपको बता दें कि जैसे ही ये न्यूज़ सोशल मीडिया में आई, NCP में खलबली मच गई और शहर में भी शमीम खान के छवि को लेकर चर्चा होने लगी। तो वहीं शमीम खान के बचाव में NCP के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी कूद पड़े। शमीम खान के बचाव में आमदार जितेंद्र आभाड ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड की। आमदार ने वीडियो में कहा है कि शमीम खान पर शक करना मतलब अपने आप पर शक करने के बराबर है और शमीम खान जैसे कार्यकर्ता की NCP में बहुत ज़रूरत है। शमीम खान पार्टी का एक अच्छा सेवक है, बेहद ही ईमानदार, जिसके बारे में शक करना यानी मुझे अपने आप पे शर्म आ जाएगी अगर मैं शमीम भाई के ऊपर शक करूं। मेहनती, खुद के पैसे लगाने वाला, दूसरों से बड़ी मोहब्बत करने वाला, उसके बारे में जो कुछ चला रहा है उसके ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हो आप? कोई काम नहीं है क्या आपको भी? वहीं शमीम खान पर आरोप लगते शमीम खान के समर्थन में NCP के लोकसभा उम्मीदवार बाबा जी पाटिल ने भी सोशल मीडिया में वायरल की, जिसमें बाबा जी पाटिल ने शमीम खान का पक्ष लिया और कहा कि शमीम खान ने मुझे समर्थन किया और 55,000 वोट मुझे मिले थे क्योंकि शमीम खान ने मेरे लिए सबसे ज़्यादा चुनाव प्रचार किया था। व्हाट्सएप यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि कलवा मुंबा क्षेत्र के विधानसभा अध्यक्ष शमीम भाई खान ने बाबाजी पाटिल को काम न करके हराने का कोशिश किया। मैं तो यही बोलना चाहता हूं कि इस बार हुआ चुनाव में मोदी साहब की लाट थी, सुनामी थी, तो भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र थे और 6 विधान क्षेत्र में कलवा मुमरा विधानसभा क्षेत्र में जो शमीम भाई और उसके टीम ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इतना अच्छा काम किया और शमीम भाई ने इतना कार्यकर्ता के साथ में मेरा जो प्रचार किया, रैली निकाला, मीटिंग लगाया, इतना अच्छा प्रचार कोई भी विधानसभा क्षेत्र में हुआ नहीं। ये सब जो किया, यो ईमानदार अच्छा कर्तव्यगार जो शमीम भाई है, विधानसभा क्षेत्र के कलवा मुमरा क्षेत्र के अध्यक्ष है, उसने किया। यानी जिस तरह से शमीम खान पर आरोप लगा कि NCP के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शमीम खान के साथ हो गए और उन पर लग रहे आरोपों को गलत बताया है, इससे यही लग रहा है कि NCP किसी भी मुद्दे को लेकर अब सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक हो जाएंगे और सभी शमीम खान के बचाव में आ गए। अब ऐसा लगता है कि चुनावी माहौल भी गर्म हो रहा है और NCP के पदाधिकारियों की टांग खिंचाई भी शुरू हो गई है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।